भूत प्रेत और जिन में क्या अंतर है? दुनिया में बहुत सी ऐसी अनोखी अविश्वसनीय और अजीब चीजें हैं जिन पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से संबंधित किस्से भी ऐसे ही रहस्यों में से एक है, शायद इसलिए क्योंकि यदि विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है, इसलिए हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार की बातों को अनदेखा या फिर अनसुना करना ही उचित समझते हैं। वही अंधविश्वास के कारण एक मनोरोगी को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया होती है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका है। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिन का नाम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन में क्या अंतर है, क्या कहता है विज्ञान। पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं के अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इसे दिव्य ऊर्जा मानता है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या यदि हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य की सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को अभी हम धारण किए हुए हैं ये स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उनका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब मिलता है या मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता तब तक भटकता रहता है। चूंकि उसकी उपस्थिति हमसे भिन्न प्रकार की है इसलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी प्राप्त हो जाता है और कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत हैं। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को भी भूत प्रेत कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई है तो यह स्थिति भी समान ही होती है। भूतों का महिमा। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियां माना जाता है जो बहुत ही चंचल व बेचैन होती हैं। परंपरागत तौर पर ये माना जाता है कि ये वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या किसी हिंसा के कारण दुर्घटना में या फिर किसी ने आत्महत्या की हो, इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती हैं। यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्य को डराने या का प्रयास करें। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं या फिर मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही इसके अस्तित्व को नकारने की। इस प्रकार की आत्माओं में केवल भारत में नहीं अपितु लगभग सभी देशों में विश्वास किया जाता है। अमेरिका में हेलोइन मनाया जाता है जिसमें आत्माओं से संवाद किया जाने की प्रथा है। ताइवान में लोग भूत दिखने का दावा करते हैं। वहीं कोरिया, चीन या फिर वियतनाम और जापान देशों में भूतों का महीना मनाया जाता है। इस महीने में एक दिन घोस्ट डे यानी कि प्रेत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आत्माएं पृथ्वी पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। क्या है जिन, जान लेते हैं। इस्लाम धर्म में इस प्रकार की आत्माओं को जिन का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूह इस दुनिया में भटकती रहती है उन्हें जिन या फिर जिन्नत का नाम दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश जिन इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इंसानों को हानि ना पहुंचाने वाले जिन बहुत कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। बहुत से जिन उड़ते और गायब होने की शक्ति भी रखते हैं। कहा जाता है कि जिन अपने वास्तविक रूप में बहुत कम रहते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं। शादी करना, बच्चे को जन्म देना
आदि इनके भी जीवन का भाग है। ये धार्मिक स्थलों या पुस्तकों से दूर रहते हैं। इनके रहने का स्थान अधिकतर सुनसान जगह ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उपस्थिति बिना धुएं की आग से हुई है। इस्लाम में जिनों को 5 श्रेणी में बांटा गया है, आइए जानते हैं कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहला है मरीद। ये जिन सबसे खतरनाक और ताकतवर होता है, लेकिन लोकप्रिय कहानी अल्लादीन का चिराग में भी इसकी श्रेणी में जिन को दिखाया गया है। ये समुद्र या खुले पानी में पाए जाते हैं। ये हवा में उड़ने की ताकत रखते हैं। दूसरा है इफ्रित। इफ्रित जिन विचारों को समझने और इंसानों को अपना दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये महिलाओं और पुरुष के समान जोड़ों में रहते हैं। तीसरा है सिला। सिला जिन केवल एक महिला ही हो सकती है। एक महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन अस्तित्व में आते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। चौथा है धूल। जी हाँ, धूल जिन इंसान का मांस खाते हैं और कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। यह जिन इंसानों के लिए सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। पांचवा है बेताल। यह जिन इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इस जिन को दिखाया भी गया है। इन जिनों में भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी की भूत प्रेत और जिन में क्या अंतर होता है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।